बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची का फखर आज सातवीं सहरी में हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी शख्स की जब खुदा उसको इज्जत देता है तो वो उस इज्जत को एक्सेप्ट करता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हाथों से लोगों को जाके सहरी दी। जो प्रोटोकॉल होता है ना इन जैसी शख्सियात का, धक्के देना, क्या टाइम लिया था, क्या मेरी फीस अदा की है, नहीं। हर आदमी के पास जाके सहरी सर्फ की रोटियां दी, रोटी के टोकरे उठाए। सर अल्लाह आपको और इज्जत दे सकता है। हमारी दुआएं आप कराची भाई। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे यहाँ पे इनवाइट करते हैं और आज मैं JDC के पहली सहरी पर आया हूँ। JDC के हेड ऑफिस तो हमेशा मैं आता रहता हूँ, तो TV पे इनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और हर तबके के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है मेरा कराची है सर, ये जो आप देख रहे हैं ना ये है हमारा कराची। और ये जफर भाई जो है ना, जफर भाई से लोग जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में चाहिए ताकि इस तरीके से लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। और मैं दुआ करता हूँ कि जफर भाई को अल्लाह ताला और हिम्मत दे और इस तरीके से अच्छे अच्छे काम करते रहें। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे कराची के लोग जो हैं और ये मेरे कराची के लोग जो है वो यहाँ पे आज सहरी कर रहे हैं। ये बता दूँ सरफराज भाई, आप कराची की शान भी है, कराची के डॉन भी है भाई। सरफराज भाई हमारी शान है, अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे। और बल्कि जो मैं, आप अगर किसी दिन रावलपिंडी में होंगे, मैं सरफराज भाई को रावलपिंडी का दस्तरखान विजिट कराऊंगा लाहौर का। इनके अंदर इंसानियत का जज्बा है भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। गोश्त लेके गरीबों के घरों पर जाते हैं। कौन सेलिब्रिटी जाती है उसका नाम मुझे बता दें या मुझे टैग कर दें अगर आप जानते हैं। अल्लाह आपको और इज्जत दे। आपके भाई अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, भाईजान आने वाले हैं आप भी टीम में या इनके साथ भी कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत इज्जत के साथ काम करें।